नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में हुए अर्जुन ठाकुर गोलीकांड के बाद अब पुलिस काफी सक्रिय नजर आ रही है, जिसके चलते पुलिस ने ऐसे आपराधिक तत्वों की खोजबीन शुरू कर दी है जो लगातार अपराध घटित कर रहे हैं। वहीं गुंडा अभियान भी प्रारंभ कर दिया, ये प्रभावी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। अर्जुन ठाकुर गोलीकांड के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके चलते पुलिस लगातार शराब के हाथों पर दबिश देकर संदिग्ध लोगों की धरपकड़ कर रही है। वहीं उन गुंडों तत्वों पर भी कार्रवाई कर रही है जो जेल से छूट गए हैं। वहीं लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय हैं। अब तक पुलिस द्वारा 5 एनएसए के प्रकरण गुंडों के खिलाफ किए गए हैं। वहीं सैकड़ों गुंडों को अब तक हवालात भी पहुंचाया जा चुका है। वहीं 10 से अधिक जिला बदर की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं अर्जुन ठाकुर गोलीकांड विवाद के बाद पुलिस ने इंदौर शहर में ऐसे तमाम आहतों पर सर्चिंग शुरू कर दी है। आहता संचालक पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है कि ये किसके संरक्षण में आहता संचालित कर रहे हैं, उनके भी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पकड़ाए गए गुंडों का गुंडा जुलूस भी क्षेत्रों में निकाला जा रहा है ताकि क्षेत्र की जनता भयमुक्त होकर रह सके। गुंडों पर कार्रवाई की जा चुकी है और इसमें गुंडा अभियान लगातार, ये जब से गोलीकांड हुआ था तब से आदरणीय आईजी सर और डीआईजी सर के निर्देश हैं कि इन गुंडों के लिए यहाँ पे इंदौर में रहना जो है अपराध करना उनके लिए कठिन कर दिया जाए और जो भी प्रभावी कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ वो की जाए। और इस तारतम्य में हम लोगों ने पूरा छाटा इसमें कि जितने भी अपराधी हैं जिनके 10 से ज़्यादा अपराध हैं और वो अभी भी सक्रिय हैं, कहीं ना कहीं अवैध गतिविधि में, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उनका डेटा छाटा गया है और उन पर एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। कल एक गुंडा है नरेंद्र वर्मा, जो कि सियागंज थाना क्षेत्र, सियागंज एरिया में मंडी व्यापारियों के साथ में वो खड़ी कराई और अड़ीबाजी करता था, वसूली करता था, उस पर 12 अपराध हैं और उसको पुलिस ने उसका एनएसए तैयार किया है। आज हम उसको भिजवा रहे हैं, तो एक ये एनएसए का प्रकरण तैयार किया गया है। इसी तरीके से जितने भी जो भी इसमें लोग हैं जिनके की 10 से ज़्यादा अपराध हैं, उन पे जो जिला बदर के लायक है तो उनके जिला बदर के प्रकरण तैयार किए गए हैं। कल हम लोगों ने 5 जिला बदर के प्रकरण यहाँ से साइन करके कलेक्टर कार्यालय को भेजे हैं, तो जिला बदर एनएसए की ये कार्रवाई लगातार चली रही है। इसके अलावा जितने भी अहाते हैं, अहाते वाले हैं जिनमें आपराधिक एलिमेंट उसमें शामिल हो गए हैं, तो सभी शराब ठेकेदारों को इनको और जितने भी अहाते हैं उनका एक एक करके सर्वे करवाया गया है कि अहाता किसके नाम से है और उसके पीछे कौन सा आपराधिक तत्व है जो कि उसको चलवा रहा है, उस सब की सूची तैयार करवाई गई है। और इसके बाद उन सभी को बाउंड ओवर करवाया गया है 116 में, 110 में जिनके जो अपराध हैं, यदि वो एक भी अपराध करते हैं तो उनको 122 की कार्रवाई उस पर की जाएगी। तो ये बात जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग और हार्डवे में सभी को बता दी गई है, तो ये कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा यदि हमें कुछ अपराधी हैं जो कि यदि डकैती की योजना बनाते मिलते हैं या किस तरह के जो अपराधी हैं करते हैं, तो उस पर भी कार्रवाई पुलिस कर रही है। और अभी तक जो है 2 केसेस मिले हैं हम लोगों को, जहाँ पे कि 2 अपराधी इस तरह की चीज़ें, गतिविधि प्लान कर रहे थे, एक तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में और एक बाणगंगा क्षेत्र में, जिन पे कि 399-402 की कार्रवाई, उसमें 10 अपराधियों के खिलाफ जो हार्डकोर क्रिमिनल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और आगे भी पुलिस को सतर्कता बरतने का निर्देश है कि जहाँ भी इस तरह के अपराधी मिले और इस तरह की योजना बनाते मिले उन पे कार्रवाई की जाए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।